हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। कैसे आप सब? मैं शेयर करती रहती हूँ ऑल अबाउट फैशन, लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट। तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। और वीडियो को पूरी देखना, उसके बाद अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर देना। सो आज की वीडियो होने वाली है वेडिंग ज्वेलरी हॉल। मैंने मीशो से काफ़ी अफोर्डेबल ज्वेलरी बाई की है, लाइक टेम्पल ज्वेलरी बाई की है। कुछ वेडिंग काइंड ऑफ ज्वेलरी जो होते हैं ना, मिनिमल दिखते हैं और बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, ज्वेलरी की अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, आपको भर भर के बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। सो आज की जो कलेक्शन है ना, मैंने मीशो से सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मीशो पे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के मिरर ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, बिडेट जो होता है ना, जो लहंगे के साथ अच्छे लगते हैं, या अगर आप ब्राइड मेड हो, मीन्स आपकी बहन की शादी है या आपके घर पे किसी की शादी है या आपकी खुद की शादी है, तो हल्के फुल्के से लेके मीन्स हेवी काइंड ऑफ ज्वेलरी अगर सोच रहे हो ना, तो कुछ मैंने बाय किए हैं। बड़ा अच्छा पैकेजिंग वगैरह काफ़ी अच्छा आया है। अच्छा, कंगन भी है यहाँ पे। चोकर से स्टार्ट करते हैं। ये चोकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। इसमें लक्ष्मी जी, पूरी ढेर सारी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है और नीचे पर्ल हैंग कर रहे हैं, लाइक वाइट मैंने चूज़ किया। इसमें कलर ऑप्शन और भी थे एंड इसमें एडी भी लगी हुई है, प्लस छोटे छोटे आई डोंट नो स्टोन्स हैं क्या है, रेड पिंक एंड ग्रीन कलर में है। यहाँ पे आपको डोरी आएगी, डोरी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये मिनिमल बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा सिल्क साड़ियों के साथ, या फिर अगर सिल्क स्कर्ट वगैरह अगर ट्राई करना चाहो ना तो उसके साथ भी बहुत प्यारा लगेगा। लाइक मैंने जो वेयर किया हुआ, इस पर भी अगर मैं चाहूँ ना तो टीम अप कर सकती हूँ। एंड इसके साथ जो इयररिंग्स हैं ये ना, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी मैंने ज्वेलरी बाय की है ना, जैसे ये इसकी जो मैट फिनिश है ना, लाइक गोल्ड, जैसे गोल्ड का कलर होता है ना, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होता है एंड बहुत सटल होता है, सेम बहुत ब्यूटिफुली इसे क्रिएट किया गया है। मीन्स इसका कलर बिल्कुल भी लाउड नहीं है एंड अभी तक तो नहीं इसके कलर गए हैं, तो आई रियली होप कि ना ही जाए। एंड इसके अंदर पीछे जो है ना, पेच या क्लिप जो भी बोलते हो, वो है मेटल का मिल रहा है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग यार सुपर्ब है। और इसमें भी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है एंड नीचे पर्ल हैंग कर रहे हैं, सेम मीना वर्क एंड स्टोन वर्क आएगा, पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बॉक्स में नहीं आई थी, ये कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में आई थी, क्योंकि यार टेम्पल ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है प्रीमियम क्वालिटी वाली, तो अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में चाहते हो टेम्पल ज्वेलरी, तो मतलब कलर वलर कुछ नहीं निकलेगा। अगर अश्योरिटी चाहते हो ना तो वो वीडियो देख लेना, उसकी लिंक मैं आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मूविंग टू नेक्स्ट ज्वेलरी, ये ना इस तरह से बॉक्स में आया था एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी, अंदर की भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। इसमें भी सेम लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, लक्ष्मी जी की आकृति है एंड उसके अलावा पूरी डिटेलिंग जो है ना गोल्ड वाली है। इसकी भी जो बेस है ना, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक गोल्ड काइंड ऑफ इसका लुक आ रहा है। नीचे ग्रीन कलर मैंने चूज़ किया है, ग्रीन कलर के मोतियाँ यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, छोटे छोटे भी वाइट कलर की मोती है, स्टोन लगे हुए हैं, वाइट स्टोन है, उसके अलावा रेड स्टोन है। इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक मोती जो है ना यहाँ पे मिसिंग है, इस साइड होनी चाहिए थी ना, पता नहीं क्यों यार ये मीशो में होता कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, तो मैंने एक्सचेंज पे डाला है, देखते हैं नहीं हो पाए तो फिर मुझे रिटर्न करके फिर से बाय करना होगा। सो मैं कोड्स ना सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ओके, इसकी साथ जो इयरिंग आई थी ना, वो भी सेम लक्ष्मी जी की नहीं, इसमें लक्ष्मी जी की आकृति नहीं बनी हुई है, ये छोटे से झुमके हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी झुमकी है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रहे हैं, मतलब रियल गोल्ड को एकदम रिलेट कर रहे हैं। एंड इसमें भी सेम स्टोन एंड पर्ल वाला सारा पैटर्न, मतलब सेम जो चोकर में आ रहा है ना सेम आएगा। ये भी सिल्क की साड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगेगा। यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं आपको मिलती है कि कितना इसका कलर कितना टाइम चलेगा, तो पैकेजिंग वगैरह ठीक है अगर अच्छे से रखते हो ना, पानी वानी से बचा के, तो सही चल जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, ये मैंने ना पर्ल में बाय किया है। इस सेम कैटेगरी में आपको बहुत सारे ह्यूज कलेक्शन मिल जाएंगे, कुछ की मैं क्लिप्स यहाँ पे शेयर कर दूँगी एंड कुछ के कोट्स भी मैं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि ये वाला ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, पता नहीं क्या है यार, जब मैं बनाने बैठती हूँ वीडियो तो कोई ना कोई इशू आने लगता है।
ओके, तो इस तरह की पैकेजिंग में आया था। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें इयररिंग्स, मांग टीके एंड गला का पर्ल वाला सेट है। फर्स्ट नेकलेस, तो नेकलेस में ना पर्ल जो आए हैं ना, ये मैं बता दूँ, मैंने 1 से 2 मंथ पहले ये बाय किया है। अभी तक इसमें किसी तरह की कोई इशू नहीं आई है। एंड ऑफ कोर्स स्टोर में करती हूँ, तो जो बॉक्स आते हैं उसी में मैं स्टोर कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ खास मैंने स्टोरिंग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं की है, पर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड सबसे अच्छी बात है, इतनी लाइट वेट है ना, कोई फील ही नहीं आती कि आपने ज्वेलरी वेयर किया हुआ है। मैट गोल्ड फिनिश वाला भी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा इन है ना, जैसे मैंने ये रिंग वेयर किया है, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। सो यहाँ पे पूरे छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, नीचे पर्ल हैंग करी, छोटी छोटी पर्ल हैंग करी है, पूरा पूरा मैट फिनिश है। पर्ल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आई विल शो यू इन क्लोजअप, तो आप देख लेना। एंड इसके बाद इसकी जो इयरिंग है ना, हुक वाली इयरिंग है, तो बहुत ईजी टू वेयर है। एक और इयरिंग, ओके, तो ये इयरिंग है। एंड इसकी फिनिशिंग ना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुपर लाइट वेट है। एंड इसमें हुक आएंगे ना, तो डैट इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि बहुत ईजिली हैंग हो जाता है ना। ये रही मांग टीका, मांग टीका भी साइज़ काफ़ी सही है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, ब्यूटिफुल। मूविंग टू मिरर ज्वेलरी, सो अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे किसी सीरियल, यार अब तो देखना टाइम नहीं मिलता, मैं पहले बहुत देखती थी, तो कोई सीरियल की जो एक्ट्रेस थी ना, उन्होंने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें उन्होंने सेम, बिल्कुल सेम यही वाली ज्वेलरी वेयर की हुई थी। एंड जब मैंने मीशो पे देखा ना, तो मैंने प्लान कर लिया कि भाई ये तो ऑर्डर करना ही है। या प्लीज़ पिक्चर देख लेना, साइड में जो क्लिप दे रही हो ना, उसमें प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस आपको मिल जाएगी। ये वाला सेट मैंने उसी से इंस्पायर होकर मैंने बाय करने का प्लान किया। इस तरह की पैकेजिंग में आया है, पैकेजिंग सुपर वाओ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बीच का इसका वेट है। एंड रियल मिरर यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैंने रेड कलर चूज़ किया, क्योंकि रेड यार सेफ साइड चूज़ होना ही होना है, हर एक आउटफिट में होता ही है रेड। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गई थी ऑर्डर करने के टाइम, यार कौन ही बाय कर। ओके, यहाँ पे भी पर्ल वाली डिटेलिंग है, ऊपर साइड में, नीचे बड़े बड़े ये मिरर लगे हुए हैं। एंड छोटे छोटे भी मिरर जो है ना, रियल है, सारे रियल है। नीचे व्हाइट मोती के साथ साथ रेड मोतियाँ भी हैंग कर रही है। डोरी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इयरिंग भी सेम आएगी, जो चोकर है ना उसी का एक वाला पार्ट आप समझ लो है। ये सिंगल इयरिंग भी वेयर किया जा सकता है, ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट के पहले ना मैं दिखाती हूँ, 4 का फ्लावर का सेट मैंने बाय किया है। ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया था, 200 के अंदर ही था प्राइस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी कितने में मैंने बाय किया है। और ये क्लिप की तरह होते हैं, बहुत रियल लगते हैं। मुझे पहले लग रहा था ना कि भाई पिक्चर में लग रहे हैं रियल, आने के बाद ना बहुत ही चीप टाइप का लगेगा, यही सोच के मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। पर फिर लास्टली मैंने सोचा यार ट्राई कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लिप मिल जाता है, जो आसानी से क्लिप हो जाता है। एंड जूड़े वगैरह में ना बहुत प्यारा लगता है, सो ऐसे क्लिप हो जाएगा। एंड यू कैन क्लिप एनी वेयर। यहाँ पर मैंने 4 का सेट लिया, 2 का भी मिल जाएगा। एंड आप बंच में चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो। इसमें वाइट दो दो, मतलब 4 है, एक मिसिंग है, क्योंकि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। सो मैंने ना अपनी वीडियोस में बहुत बार बोला है कि मुझे असली जो पैटर्न है ना ज्वेलरी में, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये मुझे 118 में मिल गया था। अभी एग्जैक्टली करेंटली क्या प्राइसेस हैं मैं स्क्रीन पे शेयर करती जाऊंगी। ये काफ़ी पहले मैंने बाय किया है, ये पूरा हसली वाला पैटर्न है। एंड इसमें बहुत सारे पैटर्न थे, मीन्स स्टोन वाले थे, एंड ये मैट गोल्ड काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज गोल्ड कलर में था, सिल्वर भी था शायद। एंड इसके साथ ये हुप्स वाले छोटे छोटे इयररिंग थे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। सो एंड प्राइस भी काफ़ी कम थी, इसलिए मैंने ये वाला बाय कर लिया। एंड ये कुछ आइटम जो दिखा रही हो ना, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किए हैं। ऑफ कोर्स एक इयररिंग, दो इयररिंग वीडियो में क्या ही दिखाऊं, तो ये वाला इयररिंग एंड इसके अलावा एक और इयररिंग मैंने बाय किया था। सो इसमें ना पूरा मैट गोल्ड, गोल्ड वाला हिंट ज़्यादा आ रहा था, तो सोचा कि भाई इस तरह के जैसे मैंने आउटफिट पहने हुए थे, इस तरह में ना, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 118 या 150 के अराउंड इसकी प्राइस थी। इसमें रेड बहुत, मैं क्लोजअप दिखाऊंगी। ये वाला ना कंगन मैंने लखनऊ से लिया था, एंड ये कंगन पे बहुत सारे कमेंट आए थे, एंड बहुत लोगों ने पूछा था कि यार कहाँ से मैंने बाय किया है।
एंड ये करेंटली अभी मीशो पे अवेलेबल है। ये पूरी कांच की बनी हुई है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एंड मिक्स कलर मैंने मतलब मल्टी कलर वाला चूज़ किया है। इसमें पूरे स्टोन लगे हुए हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है। 200 या 250 के अराउंड की प्राइस में था एंड सेम प्राइस में ना आपको मीशो पे भी मिल जा रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। ये मैंने वेयर किया था अपनी तीज वाली साड़ी के साथ। यार दिस इज़ अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बहुत सारे ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को मैंने देखा था, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया बाय करने का। उसके पहले तक मुझे बिलीव नहीं था कि मैं 1000 के ऊपर मैं बढ़ती नहीं हूँ मीशो पे। मुझे पता नहीं डाउट लगता है या पता नहीं कैसा आएगा एंड मेरे साथ होता है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क मेरे से अब मैं नहीं लेती हूँ। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, कलर जो मैंने ऑर्डर किया था एज़ यूज़ुअल नहीं आया है, ये डिफरेंट कलर आ गया था पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिस्क नहीं लिया, एक्सचेंज का मैंने रख लिया। एंड इसमें जो स्टोन एंड बिडेड्स हैं ना सारे, मैं क्लोज अप दिखाऊंगी, अब देखना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डोरी वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है एंड मैंने ऑलमोस्ट मतलब 30 के पहले बाय किया, तो यार टाइम काफ़ी लंबा हो गया। एंड इसके साथ ये इयररिंग्स आई थी, ये ना साड़ियों पे लॉन्ग नेकलेस बहुत ही अच्छे लगेंगे, लहंगे पे भी ट्राई कर सकते हो यार। इसके अलावा एक और सेट मैंने बाय किया था जो 2000 या 2300 का था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड मुझे लगा कि शायद अच्छा ही आएगा, आया भी अच्छा था पर पूरा टूटा हुआ था, मीन्स काफ़ी हद तक टूटा हुआ था। वो रखना मीन्स क्या ज़रूरत है भाई, 2000 आप पे कर रहे हो उसके बाद टूटा हुआ क्यों रखोगे। एंड उसमें एक्सचेंज नहीं शो कर रहा था तो लास्टली मुझे वो रिटर्न करना पड़ा, पर उस क्लिप यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी सो दैट अगर आपकी बजट है उतनी तो यू कैन ट्राई एंड अदरवाइज इससे बेटर है यार मैं अमेजोन से बाय कर लूँ, क्योंकि अमेजोन पर यार बड़े अच्छे अच्छे मैंने ज्वेलरी प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी हॉल शेयर किए हैं, तो वो भी जाके देख सकते हो। पता नहीं यार, एंड जम्मू में ना बहुत ज़्यादा ठंड है तो ओके गाइस, जाते जाते प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा आपको पसंद आया है एंड मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता के जाना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, एंड ऑलरेडी किया हुआ है तो यार थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यू ईयर में यार मैं विश कर रही हूँ कि जल्दी से 10K हो जाए और हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी हो सके। एंड अगर कुछ भी मेरे सजेशन से बाय करते हो ना तो प्लीज़ मुझे टैग किया करो सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिल जाए कि भाई मेरी चॉइसेस भी आपको पसंद आ रही है। दैट्स इट, बाय।